हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस टाइटेनियम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दोस्त शिवम कुमार आज आपके समक्ष फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज के वीडियो से हमें बातचीत करने वाले हैं आर्टिकल 14 के बारे में। इससे पहले आपको मैंने 13 आर्टिकल्स के बारे में बातचीत कर लिया हूँ, आज हम लोग आर्टिकल्स 14 की बात करेंगे। और आज का जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 14 है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट आर्टिकल्स में से एक है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही पूछता है और ये थोड़ा सा ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए थोड़ा सा इसको पढ़ने में समय लगे, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में पूरा आर्टिकल 14 को कवर कराने की कोशिश किया। ये एग्जाम किस यूनिवर्सिटी के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डीयू हो, बीएचयू हो, कोई भी कॉलेजेस हो, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, अगर आप लॉ एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो का हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी अन्य कॉलेज जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ऐसे सिम्बोसिस लॉ यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस का हेल्प ले सकते हैं। बहुत ही डिटेल और बहुत ही शानदार तरीके से वीडियोस को बनाया गया है, थोड़ी सी डिटेल में बनाई गई है ताकि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ये जो आर्टिकल्स 14 जो बातचीत करने वाले हैं आज हम लोग, ये आर्टिकल्स वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट आर्टिकल्स आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मजा आने वाला पढ़ने में। एक नई चीज को पढ़ेंगे, एक नए तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। आर्टिकल्स 14 में क्या है, देखिए आर्टिकल्स 14 में अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो बस दो लाइन में ये खत्म कर दिया है। इसमें लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी अगर कोई आर्टिकल्स के आगे छोटा सा वर्ड लाइन लिखा रहता है, उस लाइन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से इलेबरेट किया जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग 60% आर्टिकल्स को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको इलेबरेट करना पड़ा, समझाना पड़ा कि इसका मतलब आखिर में होता क्या है, क्योंकि नॉर्मल पीपल उसको समझ पाना मुश्किल था। चलिए अब बातचीत करते हैं आगे। आर्टिकल 14 में स्पेशली लिखा क्या है, देखिए आर्टिकल 14 में दो चीज की बात की गई है, पहला इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों चीजों पर हम लोग बातचीत करेंगे अलग अलग कि आखिर इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है। पहले यहाँ पढ़ लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। किस आधार पे? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के आधार पर। ठीक है, अब ये इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भारत में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब यहां पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है। सबसे पहले बातचीत करते हैं हम लोग इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसलिए सबसे पहले इस लाइन को देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कंट्री। ये जो लिया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, अगर बातचीत करें तो ये जो है रूल ऑफ लॉ एक है। ठीक है, हम लोग आगे बातचीत करेंगे, एक रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट है। वो रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट हमारे ब्रिटिशर्स एवी डाइसी के द्वारा दिया गया है और इसी के आधार पर इक्वलिटी बिफोर टोटल उसमें सब्स्टिट्यूट है, यानी टोटल इक्वलिटी बिफोर जो है एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ पर ही आधारित है। ठीक है, और बात करें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये लिया गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और एग्जाम ये क्वेश्चन पूछता है, 80% बच्चों से ये क्वेश्चन अगर तुम पूछ दोगे तो नहीं बता पाएंगे। हाँ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अगर इक्वलिटी भी फॉलो बता भी देंगे लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं बता पाएंगे। अब हम लोग बातचीत करते हैं कि इक्वलिटी, अभी तो थोड़ा सा ये अभी तो हम लोग समा बांध रहे कि है क्या ये, थोड़ा सा अभी होता नहीं है कि कोई चीज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा समा बांधते हैं, वो चीज को हम लोगों ने बांध लिया है। अब बातचीत करेंगे एग्जैक्टली आर्टिकल्स 14 है क्या। यहां पर एक चीज आप देख रहे हैं कि यहां पर पर्संस आया है। ठीक है, यहां पे पर्संस का जिक्र आया है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पर्संस का मीनिंग क्या होता है। देखिए पर्संस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ व्यक्ति, राम, श्याम, मोहन, सीता, ये नहीं, पर्संस का मतलब इसमें सारे कुछ आ जाएंगे। अगर कोई स्टेटरी कॉर्पोरेशन होंगे, कोई कंपनीज होगा, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी होगी, या फिर कोई भी ऐसा लीगल पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरनर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सारे जो आएंगे वो पर्संस के डेफिनेशन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये मत समझ लेना कि पर्सन मतलब सिर्फ व्यक्ति, राम, मोहन, सीता, गीता, ये सब नहीं, पर्संस के अंदर ये सारे आएंगे, स्टेचुरी कॉर्पोरेशन है, कंपनीज है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ठीक है, कोई लीगल पर्सन है, ये सारे जो आएंगे पर्संस का डेफिनेशन में। ठीक है, नो वन इज अबव लॉ, ये जो है इसी को बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ जिसको किसके द्वारा दिया गया, एबीडीसी के द्वारा दिया गया। हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब जो आते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, आर्टिकल 14 में जो जिक्र किया हुआ है पहला पॉइंट है उसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन,
फिर है इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल persons टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्टर्ड बाई ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, और नो पर्सन वेदर रिच और पुअर हाई और लो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल इज एबव द लॉ। अब ये तीन पॉइंट्स मैंने बताया इक्वलिटी बिफोर लॉ में। देखो इक्वलिटी बिफोर लॉ है क्या, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कहता है कि लॉ जो है सभी व्यक्ति को एक समान मानेगा। अब कैसे एक समान मानेगा, आप देखिए एग्जाम्पल के बातचीत करेंगे तो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, चार व्यक्ति है, राम है, ठीक है, मोहन है, सीता है और गीता है। ठीक है, ये चार व्यक्ति है। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप कितना भी कमाते हो उसका 50% आपको क्या दे देना है, तो 50% आपको टैक्स के रूप में दे देना है। मोहन कमाता है 1,00,000 रुपया पर मंथ, इसने 1,00,000 रुपया कमाया तो इसके पास सेविंग कितने बच गया, 50,000 रुपया ये बचा लिया। ठीक है, मोहन कमाता है 40,000 मंथ, ठीक है, तो इसने भी इसके पास कितना बचा, 20,000 रुपया बचा। ठीक है, इसके पास कितना बचा, 20,000 बचा। इसके पास सीता कमाती है 10,000 रुपया, ठीक है, सीता के पास भी कितना बच गया गवर्नमेंट को टैक्स देकर, 5,000 रुपया। और गीता कमाती है 2,500 रुपया, मान के चलते हैं 3,000 रुपया, ठीक है, इसके पास कितना बचा, 1,500 रुपया। तो आप देख सकते हैं कि राम जो है 1,00,000 रुपया कमा रहा है और गीता जो है मात्र 3,000 रुपया कमा रही है, लेकिन दोनों के बीच में हम लोग का कितना परसेंट टैक्स दे रहे हैं, 50%। तो चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अमीरी और गरीबी को लेकर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के समक्ष सभी लोग एक समान होंगे, चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे आप लूला हो लंगड़ा हो, चाहे आपके पास दिमाग नहीं है सर नहीं है कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लॉ के समक्ष दो सेम आदमी और अलग अलग टाइप से उसको बांटा जाए। यानी कि लॉ के समक्ष सभी लोग एक समान होंगे, यही इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है। जैसा कि एग्जांपल हमने समझा कि राम 1,00,000 रुपया कमाता है तो भी वो 50% टैक्स देता है, और गीता मात्र 3,000 रुपया कमाती है तो भी वो 50% टैक्स देती है। ये मतलब नहीं करता है कि उसके पास बच कितना रहा है। हाँ, राम 1,00,000 रुपया कमाता था उसके पास 50,000 रुपया बचा, गीता 3,000 रुपया कमाती है उसके पास 1,500 रुपया बचा, और गीता के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि वो अपना घर को कैसे चलाएगी। यही होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसमें पहला लाइन ही दिया हुआ है अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी भी तरह का स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा, अब्सेंस रहेगा इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के फेवर में। दूसरा बोलता है इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, सारे व्यक्ति को लॉ के क्षेत्र में यानी लॉ के समक्ष सभी लोग एक समान होंगे, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन, किसके आगे, लॉ के आगे। और तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नो पर्सन वेदर रिच और पुअर हाई और लो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल इज एबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे उच्च पद पे हो चाहे लो पद पे हो, चाहे वो ऑफिशियल हो या फिर नॉन ऑफिशियल हो, फॉर्मल हो नॉन फॉर्मल हो, सभी व्यक्ति एक समान होंगे। यही आर्टिकल्स 14 के इक्वलिटी बिफोर लॉ में यह स्पष्ट तौर पर यह चीज को समझाया गया है। होप ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है। एग्जाम्पल से अगर आपने समझा तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ यह कहता है कि लॉ के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान होंगे, चाहे आप गरीब है चाहे अमीर हो, चाहे आप लूला हो लंगड़ा हो, ऑफिशियल हो नॉन ऑफिशियल हो, हाई हो लो हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति को लॉ के समक्ष अलग अलग तरीके से देखा जाए। अब यहां पर बातचीत को समझिएगा, जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया कि राम 1,00,000 रुपया अगर कमा रहा है, अगर वो 50% टैक्स भी दे रहा है तो 50,000 रुपया बच रहा है उसके पास, यानी वो अच्छे तरीके से अपने घर को कमा लेगा खा लेगा उसके बाद भी सेव कर लेगा। लेकिन गीता जो है वो मात्र 3,000 रुपया कमा रही है, उसके बावजूद ये 50% टैक्स दे रही है और मात्र इसके पास 1,500 रुपया बच रहा है, तो क्या ये सही है? 1,00,000 रुपया जो कमा रहा है आप उससे 50% टैक्स ले रहे हैं तो ठीक है उसके पास सफिशियंट अमाउंट बच रहा है, लेकिन आप गीता से भी 50% का टैक्स ले रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, 3,000 रुपया कमाती है और उसमें 50% का टैक्स ले रहे हैं, 1,500 रुपया उसके पास बच रहा है, तो क्या गीता से 50% का टैक्स लेना चाहिए था नहीं लेना चाहिए था? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था, इसलिए इसको बोलते हैं निगेटिव अप्रोच है। ये कैसा अप्रोच है? ये निगेटिव अप्रोच है। ऐसा नहीं हो सकता है। कि कब हो सकता है? जब सेम पर्सन सेम इनकम हो तब जाकर वो आप सेम स्लैब रेट से आप टैक्स लें तो चलेगा, लेकिन सेम इनकम नहीं है और सभी व्यक्ति को आप एक समझ टैक्स ले रहे हैं, कोई 1,00,000 कमाने वाला उससे भी आप 50% ले रहे हैं और 3,000 कमाने वाला भी 50% ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो अन्याय साफ तौर पे दिख रहा है। इसलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में यही एक्सेप्शन को दूर किया गया, जो गलती थी इसको सुधारा गया है। ठीक है,
इक्वलिटी बिफोर लॉ समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसके अलावा एक पॉइंट आप यहां पर देखें, बहुत छोटा सा लिखा गया, ये रूल ऑफ लॉ प्रपाउंडेड बाई एविड आईसी, ठीक है, ये एविड आईसी के द्वारा ही ये रूल ऑफ लॉ लाया गया और यही रूल ऑफ लॉ पे पूरा डिपेंडेंट है इक्वलिटी बिफोर लॉ। रूल ऑफ लॉ किसके द्वारा लाया गया? एविड आईसी। आपके एग्जाम में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछेगा कि रूल ऑफ लॉ किसके द्वारा लाया गया था, पूछा भी है, कई बार पूछा भी है, तो आप इसका आंसर एविड आईसी देना। इन्होंने बताया कि रूल ऑफ लॉ में ये बताया कि लॉ जो होता है, लॉ के समक्ष कोई भी व्यक्ति सभी लोग समान है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे हाई हो, चाहे लो हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे नॉन ऑफिसर हो। ये जो वर्ड लिखा गया इक्वलिटी बिफोर लॉ का, ये जो है वो कहां से उठाया गया? एबी डाइसी के द्वारा, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ प्रपाउंड किया है, वहीं से वर्ड को उठाया गया, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और बात कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि रूल ऑफ लॉ जो है, यहां पर आप देख सकते हैं, रूल ऑफ लॉ जो है जिसको आर्टिकल 14 में एम्बेडेड किया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। और आप जानते होंगे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो किया जा सकता है, लेकिन अमेंड ऐसे करना है कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। इसलिए रूल ऑफ लॉ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। पूरे पूरे जिंदगी भर के लिए जब तक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, तब तक सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ लॉ जो होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रहेगा, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अब आगे बातचीत करते हैं, नया जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, क्या है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। चलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हम लोग समझते हैं, क्या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, पहला पॉइंट है, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का पहला पॉइंट है। अब पहले पॉइंट को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूं। इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, दूसरा पॉइंट है इक्वल प्रोटेक्शन अलाउज रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशन ऑफ द पीपल, और लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो यहां पर बात को समझो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में यह कहा गया है कि मान लीजिए राम जो है, वही एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं, 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो इससे जो है 50% का टैक्स लो। गीता मोहन जो है ये 60,000 कमा रहा है, इससे 40% का टैक्स लो। सीता जो है वो 30,000 रुपया कमा रही है, इससे 30% का टैक्स लो। मोहन राहुल जो है वो 20,000 रुपया कमा रहा है, उससे 15% का टैक्स लो। और गीता जो है वो 6,000 रुपया कमा रही है, इससे 10% का टैक्स लो। यानी कि जैसे जैसे जिस लोग का इनकम वैसा वैसा टैक्स, यानी सभी लोगों को मिला जुला कर गवर्नमेंट के द्वारा ये बराबर करने की कोशिश की जा रही है कि आप ज्यादा कमाते हो तो आप ज्यादा टैक्स दोगे, कोई कम कमाता है तो कोई कम टैक्स देगा, क्योंकि ये दोनों को इक्वल करने की बातचीत की जा रही है। जैसे कि आज के डेट में हम लोगों ने रिजर्वेशन की बातचीत कही है, हमारे देश में कहा जाता है कि रिजर्वेशन एक अभिशाप है, कहा जाता है ना, लेकिन आज के डेट में जिस जनरल व्यक्ति, मैं भी एक जनरल से ही बिलोंग करता हूं, तो जो जनरल व्यक्ति पहले के सालों में, आज से करीबन पिछले 2000 वर्ष पहले अगर चला जाए, तो हमारे जो बैकवर्ड कम्युनिटी के जो लोग हैं उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। आज भी हमारे देश में इस तरह के अत्याचार होते हैं, लेकिन अब जो है बैकवर्ड के लोग भी पढ़े लिखे हो गए हैं, तो उनके पास एजुकेशन है, शिक्षा है, और शिक्षा ही बदलाव की नीति मानी जाती है। तो आप देखते हो कि रिजर्वेशन की प्रक्रिया की गई है। रिजर्वेशन की प्रक्रिया में क्या हुआ है कि मान के चलिए आपके पास, एक जनरल व्यक्ति के पास मूलभूत सुविधाएं है, और ये 100 नंबर का कोई पेपर हुआ, ठीक है, एक जनरल है और एक ओबीसी है, या फिर हम लोग मान लेते हैं एससी है, ठीक है, एससी है। ये जनरल वाले व्यक्ति के पास, उसके पास इनकम है, उसके पास पैसा है, उसके पास बुक्स है, सब चीज है, उसके पास टीचर है, एजुकेशन है, इसलिए उसका कट ऑफ 70 रखा गया। और अगर एससी कम्युनिटी के व्यक्ति को, अगर उसको भी अगर 70 रख दिया जाए, क्योंकि इसके पास उतने मूलभूत संसाधन नहीं है, तो उसके बावजूद भी अगर इसका कट ऑफ 70 रख दिया जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ एससी के साथ अन्याय होगा, इसलिए इसका कट ऑफ 60 रख दिया जाता है। अब ये 10 नंबर जो है, ये 10 नंबर और ये 10 नंबर, ये दोनों के बीच में जो गैप है, यही गैप शो करता है कि आपके पास जो जो मूलभूत संसाधन थे, ये संसाधन ये 10 नंबर से ये दोनों को मैनेज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी बात को लेकर हमारे देश में क्या आया था, रिजर्वेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लॉ जो है सभी को एक समान करने की ये सुविधा देती है, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा, पहला पढ़ा इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस,
समान परिस्थिति में सभी लोगों को एक समान किया जाएगा, यानी कि जो अब हाँ ये करो, जनरल को जनरल से तुम लड़ाओ, ठीक है, जनरल टू जनरल लड़ाओ, एससी को एससी से लड़ाओ, ओबीसी को ओबीसी से लड़ाओ, अगर जनरल को एससी से लड़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है। एक खरगोश को लड़ाई तुम करवा रहे हो शेर से, कहीं ना कहीं ये अनइक्वल है, ट्रीटमेंट है, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। हाँ, खरगोश की लड़ाई खरगोश से करवा दो, शेर की लड़ाई शेर से करवा दो, हाथी की लड़ाई हाथी से करवा दो, अगर हाथी की लड़ाई शेर से करवाओगे, हाथी की लड़ाई अगर चूहा से करवा दोगे, तो कहीं ना कहीं अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, जो कि ये लॉ में हमारे बातचीत नहीं की गई है, इसलिए स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है, ठीक है, यह स्पष्ट तौर पर यह बातचीत की चर्चा की गई है। हम लोग बातचीत कर रहे थे आर्टिकल 14, कहीं मैंने बीच में शायद आर्टिकल 15 एक जगह बोल दिया है, उसको देख लेना, आर्टिकल 14 है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है, इक्वल प्रोटेक्शन अलाउज रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन ऑफ द पीपल। लॉ जो है स्थिति के आधार पर उचित भेदभाव की अनुमति देता है, यानी कि उचित भेदभाव का मतलब यह हो गया कि कोई व्यक्ति के पास मूलभूत संरचना नहीं है, एससी कम्युनिटी का है, एसटी कम्युनिटी का है, कोई जनरल कम्युनिटी के साथ उसकी लड़ाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस पे रीजनेबल उसको भेदभाव वहां पर चल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहां पर भेदभाव आप करिए, 10 नंबर आप दे के, हाँ उनको भेदभाव करिए कि आपको 10 नंबर कम में कट अप आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तीसरा बोल रहा है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि समान परिस्थिति में समान उपचार, यानी एक जैसे लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है, एक जैसे लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कि एससी वाले कम्युनिटी है तो एससी वाले की तरह सेम टू सेम रख दीजिए, एसटी को एक तरह से सेम टू सेम रख दीजिए। तो कहीं ना कहीं इक्वली प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि जो व्यक्ति, अगर एग्जाम्पल से मैं समझाऊं कि राम 1 लाख रुपया कमाता है तो 50% टैक्स देता था, और गीता 6000 रुपया कमाती तो 10% टैक्स देता है, और ये दोनों का जो गैप है, यही से गैप को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि सभी लोगों को सभी सब सबसे पहले एक समान कर दो, और उसके बाद जो लॉ है उसका रूल्स को अप्लीकेबल करो। यही था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब दोनों के बीच में मैं डिफरेंस समझा देता हूं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में यह कहा गया है कि आपके पास पैसा है या नहीं है, आप गरीब है या नहीं है, आप अमीर है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है। गवर्नमेंट का जो लॉ है उस लॉ के समक्ष सभी लोग एक समान होंगे। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में यह नहीं कहता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या कहता है कि सबसे पहले जो लोग गरीब है अमीर है एक समान नहीं है, सभी लोग को सबसे पहले एक जमीन पर लाएंगे, एक समान खड़ा करेंगे, और उसके बाद वहां पर क्या लगाएंगे, लॉ लगाएंगे। यानी कि वहां पर था कि लॉ इज द सुप्रीम ऑफ लैंड, और यहां पर लॉ इज द सुप्रीम ऑफ लैंड कब, आफ्टर इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट जब आपको कर दिया जाए, इक्वल कर दिया सबके बराबर कर दिया जाए, उसके बाद वहां से वो लॉ लगना शुरू हो जाएगा। बस यही दोनों में डिफरेंस है। इक्वल इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों आपको मैंने समझा दिया और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। एग्जाम्पल से अगर इसको कोशिश करिए, अगर समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश किया। अब एक्सेप्शन भी है कुछ, आप जानते हैं कि हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो रहता ही है। तो रूल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज नॉट एबस, पहले तो एक पॉइंट को समझ लिया जाए कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो नॉट एबसल्यूट है। फंडामेंटल राइट भी क्या था, नॉट एबसल्यूट है। नॉट एबसल्यूट का मतलब होता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगना, यानी बिल्कुल ये फ्री नहीं है, यानी कि यहां पर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। बिल्कुल इक्वलिटी ऑफ लॉ जो है, इक्वलिटी बिफोर लॉ बिल्कुल फ्री नहीं है कि जो लिखा हुआ है वो वैसा ही होगा, नहीं, इस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट भी बता रहा था, उस समय मैंने बातचीत किया था कि फंडामेंटल राइट क्या है, नॉट एब्सोल्यूट है। ऐसा नहीं है कि मुझे बोलने का अधिकार है, मैं किसी को गाली दूं और वो व्यक्ति सुने, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। इसलिए कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि एक लेबल होना चाहिए, एक सही क्षेत्र होना चाहिए। उस क्षेत्र में आप किसी को बोल रहे हैं तो ठीक लग रहा है, उसके बावजूद उससे परे होकर अगर किसी को बोलेंगे तो वो सही नहीं है, उस पर आप पे किसी ना तीसरे लॉ ऑफ लॉ का उस पर लगा के आप पे FIR वगैरह किया जा सकता है, मानहानि भी हो सकती है। तो एक इक्वलिटी का जो एक्सेप्शन है, मात्र 2 लोग इसको देख सकते हैं अभी फिलहाल में इंडिया में। कौन कौन? एक तो गवर्नर और एक प्रेसिडेंट। और क्या क्या इनको एंजॉय, क्या क्या इम्यूनिटीज है, इम्यूनिटीज का मतलब होता है छूट, कुछ कुछ इनको छूट मिली हुई है। किसको किसको? प्रेसिडेंट और गवर्नर को। और आज के डेट में बात कर रहा हूं, आज के डेट में क्वेश्चन यहीं से पूछता है,
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वलिटी बिफोर लॉ से क्वेश्चन अब नहीं पूछ रहा है, जान रहा है कि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग ही यहीं से होता है, लेकिन अब डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। अंदर घुसकर अगर आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि क्या क्या एक्सेप्शन है इक्वलिटी का। और इसमें दो लोग हैं, एक प्रेसिडेंट और एक गवर्नर है, और एक किस आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 361 में इसकी चर्चा की गई है। तो मैंने आपको 361 यहीं पर पढ़ा दे रहा हूं, बाद में फिर ये ना बोलना कि 361 के बारे में सर नॉलेज है हमें नहीं है, और यहां से आपके कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में पेपर हो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या पहले ड्यू का पेपर होता था लॉ का, तो उसमें ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता था, ठीक है। जनरल टेस्ट में आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, समझिएगा, और बिल्कुल डिटेल में, और एक पॉइंट छोड़ नहीं रहा हूँ, सारे पॉइंट्स को मैं कवर करा दे रहा हूँ। तो वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो पहली बार जुड़े हैं, बाकी तो हमारी चैनल से जो पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए कोई बताने की जरूरत नहीं है। चलिए क्या कह रहा है पहला पॉइंट, द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है। क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है, ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है इनके एक्टिविटीज के लिए और इनके ड्यूटीज के लिए ये कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने ये काम कैसे कर रहे हैं, आप ये गलत तरीके से कर रहे हैं, कोर्ट आपसे जवाब मांग दे, तो ये जरूरी नहीं है कि आप जाके कोर्ट को जाके जवाब दे। भाई हम अपने प्रेसिडेंट हैं और गवर्नर है तो हम जाके कोर्ट को जवाब देने जाएंगे, तुमसे बड़े ना है, राज्य का सबसे बड़ा गवर्नर होता है और देश का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट माना जाता है, और जाके वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर बोलेगा कि हमने ऐसा काम इसलिए नहीं किया, हमने ये काम इस तरह से किया, हमने एक्टिविटी इस तरह से किया है। भाई जो खुद में अपने आप में शेर है वो दूसरे को क्यों सुनेगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो किसी भी कोर्ट के द्वारा अगर उसे कोई पूछी जाती है, कोई जानकारी पूछी जाती है, या फिर उसके वर्क से रिलेटेड पूछी जाती है, तो वो आंसरेबल नहीं है। मन किया तो दो, मन किया तो नहीं दो, तुमसे कोई प्रेसिडेंट तुम्हारे ऊपर कोई एफआईआर और तुम पे केस नहीं करेगा, कौन, कोर्ट। और इसके लिए एक एक्सेप्शन है कि अगर आप इम्पीचमेंट का प्रोसेस लगा हुआ हो और उसके आधार पर आपसे कोर्ट क्वेश्चन पूछती है कि आपने ये काम जो किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेट करके किया है, तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेशन की बातचीत चलती है उसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर की सिटी गुम हो जाती है, और उस समय कोर्ट को जवाब देना पड़ता है कि आपने ये काम किया तो कैसे किया, ठीक है। तो इसका एक्सेप्शन क्या है, इम्पीचमेंट, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यू इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि जब तक ये अपने ड्यूटी पर होंगे, यानी जब तक इनका टर्म चलेगा, 5 साल का जो टर्म होता है, जब तक ये अपने टर्म में रहेंगे, अपने ड्यूटी पर रहेंगे, तब तक इन पर किसी भी तरह का क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगा। मान के चलिए कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, पहले किसी का मर्डर करके आया और मर्डर करने के बाद उस पर केस चल रहा है, और उसी के दौरान ये क्या बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, और जब प्रेसिडेंट बना तो कोर्ट से वो क्लियर हो गया, इनको फांसी की सजा हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में किसी भी तरह का क्रिमिनल प्रोसीडिंग वहीं पर बंद कर दिया जाएगा और कहा जाए कि नहीं नहीं ये तो प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट पर किसी भी तरह का क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलता। आपको याद होगा जब बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था और उस समय आया था जब फैसला निकल कर और कल्याण सिंह को उसमें फंसाया गया था कि कल्याण सिंह इससे जो है ये गलत तरीके से इन्होंने कार्य को किया था, और उस समय कल्याण सिंह गवर्नर थे तो इसलिए उसमें कोर्ट में उनके प्रोसीडिंग को रोक दिया गया था, क्योंकि गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल प्रोसीडिंग वो जब तक वो ड्यूटी में तब तक तो आप नहीं चला सकते। अब आगे बात करते हैं, नो पर्सन शैल बी इनिशिएटेड फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिसोनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। अब इस बात को समझिए क्या बोल रहा है, ये बात कर रहा है कि जब भी प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने ड्यूटी में होगा, अपने टेन्यूर में होगा, उस पर किसी भी तरह का अरेस्ट वारंट या फिर अरेस्ट रिलेटेड या फिर जेल जेल जाने से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई प्रोसेस नहीं चलाया जाएगा, चाहे वो जुर्म किया हो या ना किया उस पर डिपेंडेंट नहीं करता, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। अरेस्ट और इम्प्रिसोनमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रोसेस प्रेसिडेंट और गवर्नर पे जब तक वो ड्यूटी में टेन्यूर में तब तक वो नहीं लगाया जा सकता। अगले बात करते हैं, पॉइंट नंबर डी है, नो सिविल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी कोर्ट अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ नेक्स्ट आफ्टर नोटिस हैज बीन डिलीवर्ड टू हिम। अब बात किया कि सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर तो आप नहीं चला रहे, क्या सिविल प्रोसीडिंग भी नहीं चलाया जा सकता है? जी हाँ, सिविल मामला के क्षेत्र में सिविल प्रोसीडिंग चलाया जा सकता है। मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट है और उसकी जमीनी विवाद है गोतिया से लेकर, तो अगर उस पर
प्रोसीड करना है, कोई लीगल एक्शन लेना है, तो आप डायरेक्ट जाकर लीगल एक्शन प्रेसिडेंट गवर्नर पर नहीं ले सकते हैं। उसका भी रूल है कि सबसे पहले आपको 2 महीने का नोटिस देना होगा। आज मैंने अगर आप नोटिस दिया तो आज से करीबन 2 महीने बाद इन पर जो केस होगा तब जाकर चलना शुरू होगा। इसलिए याद रखिएगा, क्रिमिनल मैटर तो नहीं चल सकता है, लेकिन सिविल मैटर चल सकता है, और सिविल मैटर चलाने से पहले 2 महीने का नोटिस भी देना होगा, उसके बाद ही इन पर सिविल मैटर चलेगा। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा, और ये 2 महीने का जो समय लिखा हुआ ये भी याद रखिएगा। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और बच्चे फंस जाते हैं और बोलते क्या है कि सर बहुत कहां पता कहां से पूछा है, डीपली बहुत ज्यादा पूछ दिया है। अरे भाई डीपली पूछा तो डीपली पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा। इतना मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है पॉलिटी, अगर अच्छे से इसको पढ़ लिया जाए तो दिल खुश हो जाता है, देश लगता है कि हम ही देश चला रहे हैं। ठीक है, हम बात करते हैं अकाउंट्स वाले स्टूडेंट जो होते हैं, वो याद रखिएगा जो बीकॉम कंप्लीट करके आए होंगे, वो लोगों के पास पैसा नहीं होता है। पैकेट चेक करिएगा तो 10-20 रुपए मिलेगा, और बातचीत करेंगे करोड़ों का। उनके उन्होंने अकाउंट जब सॉल्व करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो करोड़ों का रुपया, करोड़ में सीधे बात करेंगे, करोड़ से नीचे बात ही नहीं करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, नो पर्सन सेल भी। अब आगे बात करते हैं अगला पॉइंट्स के ऊपर। ये जो पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको समझने की आप लोग कोशिश करिएगा। आर्टिकल 361 ए इसको बोलते हैं, नो पर्सन सेल बी लाइबल टू एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट, पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर और बाय रेडियो और बाय टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन का स्पेलिंग गलत है, ऑफ अ सब्सटेंटली ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और आइदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 361 है, आर्टिकल 361 है क्या कह सकता है, क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन यानी पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की किसी सदन की कार्यवाही जो वहां पर प्रोसीडिंग होता है, जो प्रोसीडिंग होता है पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में, उसका प्रकाशन समाचार पत्र, न्यूज चैनल अथवा अन्य माध्यम से किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी कि जो कि जो भी चीज जो है अगर पार्लियामेंट में बहस हो रही है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में बहस हो रही है और उसका रिपोर्ट अगर कोई न्यूज़पेपर में छप जाता है या फिर रेडियो और टेलीविजन के द्वारा उसका प्रीमियर कर दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि इस चीज को चलाने के लिए उन पर किसी भी तरह का लीगल एक्शन लिया जाएगा, नहीं, ये बिल्कुल फ्री है, आप कर सकते हैं, आप किसी भी तरह का न्यूज छाप सकते हैं प्रोसीडिंग रिलेटेड। हाँ, लेकिन इसका गलत तरीके से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए अगर गलत तरीके से दुरुपयोग करोगे यानी कुछ गलत तरीके से काम करने के लिए किसी चीज को करोगे तब तुम पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। और हाँ, एक चीज और याद रखना कि अगर संसद की कोई गुप्त बैठक हुई है और उस गुप्त बैठक की जानकारी आपको गलती से मिल गई है तो उसका प्रकाशन अगर आप न्यूज़पेपर में या फिर आप टीवी में चलाते हैं न्यूज, तो वैसे सिचुएशन में आप पे क्या हो सकता है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि वो जो मैटर था वो गुप्त बैठक था, गुप्त बैठक को आप पब्लिकली नहीं कर सकते अगर आपको पता भी चल जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 361 है, बिल्कुल समझ में आ गया, या कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है, ये सब प्रिविलेजेस की बात हम लोग कर रहे थे प्रेसिडेंट और गवर्नर का। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयर ऑफ। संसद में या किसी भी संसद की कमेटी में बोले गए बातों को लेकर किसी भी तरह का लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। यानी कि अगर आप पार्लियामेंट में हैं, ठीक है, और पार्लियामेंट में कुछ ऐसा बातचीत करते हैं या फिर किसी को वोट दे देते हैं, ठीक है, पार्टी के क्षेत्र में, या फिर कुछ ऐसा बहस करते हैं, तो उन बहस को लेकर ऐसा नहीं है कि आप पे फंडामेंटल राइट लगा के या फिर कोई से बातचीत के लेकर आप FIR कर दिया जाए, लीगल एक्शन लिया जाए, नहीं। जो भी आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में बोल रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में आपके जो पार्लियामेंट में बोले गए बातों को रिकॉर्ड करके उस पर चेक नहीं किया जाएगा कि आपने क्या बोला है और आपने क्या गलत तरीके से बोला है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट कर रहा है, तो आप FIR कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पार्लियामेंट में सारे मेंबर्स जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर वाले हो चाहे सेंट्रल पार्लियामेंट हो, खुलकर बोलिए जो मन सो बोलिए, लेकिन अपने मर्यादा में बोलने की जरूरत होती है। ये आर्टिकल अगर सेंटर की बात किया जाए तो आर्टिकल 105 में इसकी चर्चा की गई है, स्टेट लेजिस्लेचर की बात किया जाए तो आर्टिकल 194 में इसकी चर्चा की गई। ये दोनों आर्टिकल याद रखिएगा, 194 में स्टेट की बात की गई और आर्टिकल 105 में सेंटर की बात की गई। चलिए आगे बात करते हैं,
फॉरेन सोवरेंस एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट्स इंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग। जो भी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट को मिलता है, सेम अगर कोई फॉरेन सोवरनर है, कोई भारत के कोई अन्य देश के एम्बेसडर है या फिर डिप्लोमेट है, भारत में रह रहे हो और इन पर किसी भी तरह का इनसे कोई क्रिमिनल एक्शन हो जाता है या फिर सिविल एक्शन हो जाता है, तो इस तरह में जो भी प्रेसिडेंट का रूल और रेगुलेशन चला था इनके साथ भी वही चलेगा। सबसे पहले इनको क्या कहा जाता है, बोलता है कि आप देश छोड़कर चले जाइए और आप वहां पर जाइए, आप वहां पर जो भी लीगल एक्शंस लगने होंगे लेंगे, हम आप पे लीगल एक्शंस नहीं चलाएंगे। ठीक है, चाहे यूएनओ की कोई एजेंसी हो, कोई डिप्लोमेट हो, तो उन पर भी सेम एज ए प्रेसिडेंट जैसा रूल चलेगा। ऐसा नहीं है कि इनको लेमैन नहीं है, नॉर्मल पीपल नहीं है, ये लोग बड़े हाई लेवल के पीपल है। इसलिए इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि कोई यूएनओ है या फिर यूएन कोई एजेंसी है, कोई डिप्लोमेट है, तो इन पर भी किसी भी तरह का क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग नहीं चलेगा। जो भी प्रेसिडेंट को जो भी प्रिविलेजेस दिया गया था वो सारे प्रेसिडेंट को प्रिविलेजेस मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा पूरा, मैंने आर्टिकल्स 14 बता दिए, हर एक पॉइंट्स को मैंने कवर कराया है। और आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि अभी तक भी जो भी आर्टिकल्स आपने पढ़ा उसमें आर्टिकल 14 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने आर्टिकल 14 का कोई भी ऐसा पॉइंट छोड़ने की कोशिश नहीं किया हो। आप आर्टिकल 105 के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा, आज हमने बता दिया। अगर आप किसी बच्चे से पूछे तो कि आर्टिकल 105 में क्या लिखा हुआ है या फिर आर्टिकल 194 में क्या लिखा हुआ है, तो हक्का पक्का गुम हो जाएगा। उतना तो डिटेल्स में 95% बच्चे नहीं पढ़ते हैं जो मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो पढ़ो ऐसा जो कि एग्जाम अगर मैं बैठा हूं तो एग्जाम से क्वेश्चन अगर पॉलिटी से अगर पूछ रहा है तो वो क्वेश्चन मुझे ना छूट गया, चाहे वो जनरल टेस्ट का पेपर हो, चाहे लॉ का पेपर हो, चाहे कोई भी अदर यूनिवर्सिटी स्लैट वगैरह जो कुछ भी हो उसका भी पेपर हो। ठीक है, तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।